आज के दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ओपनिंग प्राइस को कर रहा है टेस्ट। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। करंट प्राइस एक्शन बीआरई से आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो। लेट्स प्लेस इट। दो लॉट के साथ जाना चाहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, ऑप्शन बाइंग विथ 20K सीरीज की डे नंबर 10 पर आपका स्वागत है। आज का डेट है थर्सडे 20 जून एंड टाइम 9:52 हो चुका है। चलिए आज के दिन की शुरुआत करने से पहले हम कल के दिन का PNL देख लेते हैं। कल हमने 1600 प्रॉफिट बनाया था, 340 रुपीज़ गया चार्जेस में एंड 1262 रुपीस नेट रियलाइज पेनल। कुल मिला के नेट रियलाइज पेनल आ चुका है 6858। इट्स गोइंग वेल राइट। सो लेट्स सी आज के दिन का हम प्रॉपर एनालाइज करते हुए ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा गाइस। जो स्कैल्पिंग जिस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल करके मैं ट्रेड करता हूँ वो बहुत ही रिस्की है, रिस्केस्ट कह सकते हैं स्कैल्पिंग, क्योंकि ज़्यादा देर तक हम होल्ड नहीं करते हैं, छोटा छोटा मोमेंटम को पकड़ के हम ट्रेड करते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये बिगिनर्स के लिए है, नोवाइस ट्रेडर के लिए है। तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा 1:2 या 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करें। तो वही मैं करने की आज से कोशिश करूंगा। लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये जो स्कैल्पिंग स्किल है इनको अप्लाई करते हुए आप अगर अपने इनिशियल स्टेज पर ट्रेडिंग करोगे तो यहाँ पे सक्सेस प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो सकता है। सो दैट्स वाई मैं यहाँ पर आज से आप लोगों के लिए गाइस 1:2 या 1:3 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ जो अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी वाला जो सेटअप होगा वो मैं यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करूंगा। वो आप लोगों को पसंद आएगा तब जाके आप लोग समझ पाओगे, अदरवाइज स्कैल्पिंग आपके बस में नहीं है। क्योंकि मैं जो करता हूँ आप लोगों को पसंद नहीं आता है, मैंने देखा बहुत सारे कमेंट में, लेकिन प्रॉफिट तो हो रहा है ना, आप लोगों को मैंने दिखाया। क्योंकि लॉस को हमेशा लिमिट करके चलता हूँ। अगर यहाँ पे PNL में आ जाओ 30 रुपीज़ 126, जिस दिन नहीं होना है उस दिन भी मैं स्टॉप लॉस को लिमिट करके रखा। ओनली स्ट्रैटेजी के साथ आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट आ गया ना तब भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, स्ट्रैटेजी जो भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नज़र रखते हुए मैं अभी आज से 3 ट्रेड्स कोशिश करूंगा 1:2, 1:3 के साथ इनिशिएट किया जाए और उनको ट्रेल भी करेंगे। लेकिन जितना पॉइंट इनिशियल स्टॉप लॉस होगा उनको मैं ट्रेल करता जाऊंगा, उतना पॉइंट जैसे ही मिलेगा वो मैं ट्रेल करता जाऊंगा। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होते हैं, 3-4 डेज ट्रेडिंग करके देखते हैं इसी कैपिटल के साथ। तो यहाँ पे छोटा मूव के लिए हम ट्रेड नहीं करेंगे, बड़ा मूव तब मैं और इन द मनी प्रेफर करना कोशिश करूंगा। क्योंकि आप लोग भूल रहे हो ये ऑप्शन बाइंग है, अगर मूव ना आए तो थीटा डीके होगा, टाइम डीके के कारण प्रीमियम दे रहेगा और आप लूज करते रहोगे। आज के दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ओपनिंग प्राइस को कर रहा है टेस्ट राइट। यहाँ पे अगर देखे गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस डे भी ऐसा ही हुआ था, 19 डे देखिए गैप अप ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद इसने प्रीवियस डे क्लोजिंग प्राइस को टेस्ट किया था एंड देन फिर बूम। आज भी क्या हो रहा है, 20 को अगर देखें तो ओपन हुआ गैप अप एंड देन यहां पे टेस्ट कर रहा है। पहला ट्रेड यहां पे इनिशिएट किया जा सकता है रिस्क लेकर, क्योंकि ओवरऑल जो प्राइजेक्शन है वो बुलिश है। मेजर ट्रेडिंग जोन यहां पे है, ठीक है, इस जोन के अभाव है और यहां पे एक बार ट्राई जरूर किया जा सकता है। जैसे हम यहां पे 5 मिनट कर देंगे, क्योंकि अभी हम थोड़ा होल्ड करेंगे, स्कल्प नहीं करेंगे, तो 5 मिनट करना जरूरी है। यहाँ से हम क्या करेंगे, एक कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। करंट प्राइजेक्शन बीआरई से आप चाहे तो अवॉइड कर सकते हो, ये रिस्की है। करंट प्राइजेक्शन के अगेंस्ट में जाके हम ले रहे हैं एंट्री, तो ये चीज़ें समझना होगा। बैंक निफ्टी इन द मनी की ओर चलेंगे हम एंड चार्ट को करते ओपन। लेट्स प्लेस इट। दो लॉट के साथ जाना चाहूँगा। इट्स डन। स्टॉप लॉस मैं यहाँ पर 458 पे स्टॉप लॉस प्लेस करना चाहूंगा राइट। दोनों का स्टॉप लॉस प्लेस कर देते हैं। अब देखिए 700-800 समथिंग प्रॉफिट यहां पे रनिंग हो रहा है। जितना पॉइंट का एसएल है उतना पॉइंट यहां पे मैं टारगेट, पहले तो 1:2 यहां पे मैं प्लेस कर देता हूं। कभी कभी 1:3 भी लेंगे, उससे भी ज्यादा हम ले सकते हैं। टिल हियर एसएल को हम ट्रेल तभी करेंगे जब तक ये जो है यहाँ तक ना आ जाए, ओके। और ये एंजल वन का टर्मिनल है, बहुत ही इजी टू यूज़ है। यहाँ पे लैगिंग भी देखने को कम मिलते हैं। स्टॉप लॉस को अगर ट्रेल करना है तो इजीली यहाँ पे जाके हम ट्रेल कर देंगे, इजीली हो जाते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं अभी एसएल को यहाँ पे कर दूँ थोड़ा, ये देखो जस्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया, इजीली हो गया। अगर आपको एंजल वन में अकाउंट ओपन करना है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, ओके। 2300 समथिंग प्रॉफिट रनिंग, ओके। दैट्स मीन यहाँ पे देखो हमारा जितना भी एसएल था, एसएल कितना पॉइंट, 82 पॉइंट, अभी 82 पॉइंट के आसपास 54 पॉइंट आसपास यहाँ पे मूव दे दिया था। यहाँ पे अगर देखें तो 80 के आसपास मूव दे दिया था, तो हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करके कॉस्ट टू कॉस्ट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स वेट, थोड़ा और वेट करते हैं।
और वन मोर थिंग मैं बताना चाहूँगा, आप लोग वीडियोस देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को जरूर दबा दीजिए। सो गाइस अभी देखिए 2500 समथिंग प्रॉफिट रनिंग एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू ट्रेल द सेल। जस्ट ये जो कैंडल है यहाँ पे, ओके 445 के आसपास हमने यहाँ पे ये सेल ट्रेल कर दिए है। सो लेट्स सी, अगर आके ये सेल हिट भी करते हैं तो हमारा कोई लॉस नहीं होने वाला। लेट मी क्लोज दैट, चलो क्लोज करते हैं। सो मैं आपको दिखाना चाहूंगा 165 पॉइंट हमने बुक कर पाया। ये होता है प्रॉपर ऑप्शन बाइंग। यहाँ पे हमने 1:2 रिस्क एंड रिवॉर्ड के साथ पोजीशंस बनाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद ही मैं स्टॉप लॉस को ट्रेल कर दिए थे, देन हम स्टॉप लॉस को कॉस्ट टू कॉस्ट रख दिया था और अभी आके हमारा 1:2 टारगेट हिट कर चुके हैं। 165 पॉइंट हमने यहाँ पे कैप्चर कर लिए। प्रॉपर डिसिप्लिन से ये पोजीशंस बनाया गया था। मैं आपको सबसे पहले मेरा स्ट्रैटेजी बताया, ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम में मैं एनालाइज करता हूँ साइड कौन सा होना चाहिए, कॉल या पुट। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले नीचे आया और ये जो सपोर्ट सेक्शन है इनको टेस्ट किया, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हमने लिया था एंट्री प्रॉपर एसएल के साथ एंड अभी देख सकते हैं हमारा टारगेट यहाँ पे हिट हो चुका है 5200। जस्ट एक पोजीशन से हमने प्रॉफिट बनाया। हमारा ट्रेडिंग कैपिटल आप देख सकते हो 2600। ओके नाउ लेट्स वेट, अभी अनदर ट्रेड जब मिलेगा तब डेफिनेटली हम लेंगे एंट्री, क्योंकि ये कोई स्कैल्पिंग नहीं है, बड़ा स्टॉप लॉस है तो हर कोई जगह पर हम एंट्री नहीं ले सकते, प्रॉपर एसएल के साथ ही लेना होगा। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हमको सारा कैप्चर करना है। यहाँ पे आपने 165 ले लिया, हो सकता है कि इसने और यहाँ पे 200 पॉइंट मूवमेंट दे दे, लेकिन हमको नहीं चाहिए, ठीक है। डिसिप्लिन से हमको जस्ट एग्जीक्यूट करना है। सो लेट्स वेट। हेलो फ्रेंड्स, अभी टाइम देख सकते हैं 1:16 एंड एक ही जगह पर मार्केट सस्टेन कर रहा है, रेंज बाउंड मूव देखने को मिल रहा है, बट कल की जो मेजर ट्रेडिंग जोन है उनके अभाव है, यानी मार्केट आज न्यूट्रल टू बुलिश है। ओके ट्रेडिंग करने के लिए हमने यहां पर पोजीशन बनाया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। देखिए रिट्रेस है, अगर मैं स्कल्पिंग करता तो डेफिनेटली यहां पे एंट्री लेता, तो उसके बाद ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है। वैसे भी ये इसका जो डेल्टा है 0.8 के आसपास है, ठीक है। यहाँ पे थीटा डी के कम होंगे, टाइम वैल्यू कम होते हैं इसका। अगर मैं होल्ड कर रहा हूँ यहाँ पे तो ऑब्वियसली डेल्टा वैल्यू 0.8 या उससे ज़्यादा होना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ जितना आप वेट करोगे, अगर आपके साइड में मार्केट ना जाए या फिर जहाँ पे वहीं पे रहे, तब भी आपका प्रीमियम घट जाएगा। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, किसी भी साइड निकलने दो मार्केट को क्लोजिंग सेशन में, हो सकता है कि मैं एक और ट्रेड इनिशिएट करूँ। हेलो फ्रेंड्स, बढ़िया मूव देखने को मिला यहाँ पे। जितना देर तक कंसोलिडेट कर रहे थे, बढ़िया मूव देकर यहाँ पे मार्केट अभी 800 के आसपास आ चुका है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दिस इज रेजिस्टेंस, प्रीवियस डे यहाँ से ही फॉल देखने को मिला था, तेजी से फॉल हुआ था। तो अभी क्या करना चाहिए, यहाँ पे अगर मैं पोजिशन बनाऊंगा भी तब भी यहाँ पे क्वान्टिटी यानी लॉट साइज होंगे 1, क्योंकि रिस्क ही है। देखो रेजिस्टेंस लेवल, इनकी ब्रेकआउट होने के बाद रिट्रेस में एंट्री लेना सही रहेगा। तो लेट्स सी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पुट भी तो परचेस नहीं कर सकते ना, सिचुएशन ओवरऑल प्राइस एक्शन बुलिश है। तो एक बार भी मैंने यहाँ पे पुट साइड के लिए सोचा ही नहीं, क्योंकि लोग यहाँ पे पुट साइड में आ जाते हैं करंट प्राइस एक्शन को देखते हुए। कॉल साइड का यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, मेरा जो 2 लाख का कैपिटल का जो वीडियोज बनाता हूँ वहाँ पे अगर देखेंगे, वहाँ पे आज मैंने कॉस्ट टू कॉस्ट निकला, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होने दिया मैंने। सो इट्स ओके, अभी क्या करना चाहिए, थोड़ा और इंतजार करते हैं, देन लास्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। सो गाइस चलिए अभी हम ज़्यादा रिस्क तो नहीं लेंगे एंड लास्ट ट्रेड करते हैं इनिशिएट, वो भी हम बुलिश साइड में ही करेंगे। छोटा सा टारगेट एंड छोटा सा एसएल रहेगा, यहाँ पे हम बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। के आसपास चल रहा है एंड मार्केट भी बिल्कुल टॉप पर है, तो एंट्री लेना थोड़ा रिस्की हो सकता है। स्टॉप लॉस अगर मैं 460 पॉइंट के सेल बड़ा हो जाएगा 561, तो चलिए मैं यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के रखता हूँ 532 के आसपास, 36 के आसपास, ठीक है। तो बाय इजीली देखिए चार्ट के ऊपर मैंने जस्ट 1 क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर दिया। ये एंजल 1 की टर्मिनल है, अगर आपका अकाउंट ओपन करना है लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा।
ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं रखेंगे, जस्ट एक्सिक्यूट होने दो 508 या यहाँ पे मूविंग एवरेज से बिलो यानी 34 के आसपास स्टॉप लॉस होंगे। ओके ये देखिए एग्जीक्यूट हो चुका है, लेट मी प्लेस द एसएल। एसएल जस्ट मैं यहाँ पे 497 के आसपास रखना चाहूँगा सेल लिमिट। सो जितना पॉइंट एसएल है उसके डबल टारगेट चलिए मार्क कर देते हैं, उसके डबल कितना पॉइंट का 38 पॉइंट का एसएल हो रहा है। सो 78 पॉइंट के आसपास यहाँ पे हमारा टारगेट। सो लेट्स सी, ज़्यादा बड़ा रिस्क है नहीं, देखते हैं हम प्रॉपर ट्रेंड के साथ ही चल रहे हैं। मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 700 के आसपास जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं बढ़िया मूव दे रहे हैं, 22 पॉइंट का मूव यहाँ पे हमको मिल रहा है, बट क्वांटिटी कम है। तो अभी हम स्टॉप लॉस को थोड़ा सा ट्रेल कर देंगे, लाइक अभी भी मूविंग एवरेज के बिलो, एंड 14 में मैं कर चुका हूँ स्टॉप लॉस को ट्रेल। 300 समथिंग प्रॉफिट इज रनिंग। सो लेट्स सी, सो गाइस अभी टाइम 1:56 एंड यहाँ पे 6 सेल को हमने ट्रेल कर दिया था एंड हो चुका है हिट। अगर हम देखें यहाँ पे आप सिंपल देखने को मिलेगा 534 पे एंट्री लिया था, 30 पॉइंट का एसएल जस्ट हिट हुआ एंड 449 रुपीज़ हमारा लॉस गया इस ट्रेड से। ठीक है, हमको लग रहा था कि यहाँ से रिट्रेस ले सकता है और एक कंडल बना, हालांकि अभी भी देखिए पॉजिटिव जोन पे ही है। आज के दिन का जो मेजर ट्रेडिंग जोन दिस इसके अबाव है, तो दैट्स मीन बुलिश है आज के दिन के भी। अगर यहाँ पे 570 के नीचे आ जाए तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा डाउन साइड जा सकता है, तब हम यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज जब तक इस 570 के अबव है कभी भी मैं यहाँ पे पुट में नहीं जाऊँगा। ओके सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, किसी को ब्लेम मत करो अगर ट्रेड नहीं चल रहा है। आप अगर मान लो हमारी स्ट्रैटेजी को अप्लाई करते हो, ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि इस पॉइंट से मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन अकॉर्डिंग आवर स्ट्रैटेजी मार्केट अप जा सकता है, फिर जाके आपका एसएल हिट हो जाता है, आपने पोजीशन लिया लॉन्ग साइड एसएल हिट हो जाता है, फिर आप सोचेंगे कि सर का जो स्ट्रैटेजी था उनके अकॉर्डिंग मैंने एंट्री लिया यहाँ पे एसएल हिट हो गया। तो आप खुद का करो, खुद के अकॉर्डिंग चलो, उसको देखना बंद कर दो। हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी स्ट्रैटेजी अप्लाई करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे अनुकूल चलते हैं, हमारे साइड में चलते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं। किसी भी स्ट्रैटेजी में एवरी टाइम आपका प्रॉफिट नहीं होगा, एवरी टाइम आपका टारगेट हिट नहीं होगा, ठीक है, इसीलिए तो एसएल है। हम लॉस को लिमिट करके चलते हैं, हमारा भी एसएल हिट होते हैं, हम एसएल को प्रॉपर ट्रेल करके लॉस को लिमिट करके कैपिटल को सेव करते हुए चलते हैं। इट्स ओके, आज का दिन सबसे बड़ा प्रॉफिट हुआ है 4758 एंड चार्जेस भी कम जाएगा क्योंकि ओनली 2 ट्रेड्स हमने आज के दिन एग्जीक्यूट किया। सो थैंक यू, कुछ भी क्वेरीज है फिल फ्री टू आस्क ऑन कमेंट सेक्शन। और आप अगर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं धन या एंजल वन पे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जीरोधा में अकाउंट ओपन करके आप ये दोनों कोर्स बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जाइए जीरोधा का फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक, अगर आपका एज बिलो 25 है तब फ्री है। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।